नमस्कार दोस्तों, झूसी की तरफ से आने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जल्दी ही एलओपीबा फ्लाईओवर बनके तैयार हो जाएगा। अभी इसका निर्माण कर बड़ी तेज गति से चल रहा है और 15 नवंबर तक इसको चालू कर दिया जाएगा। छोटी गाड़ियां तो उधर से जा रही हैं, बाकी बड़ी गाड़ियों को घूम के जाना पड़ रहा है। एक लंबा रूट लेके निकलना पड़ रहा है नए वाले पुल के पास में। यहाँ बड़े बड़े गर्डर ला के रखे गए हैं, यही लगाए जाएंगे। लोहे की गर्डर है जो सड़क के ऊपर बनाए जाएंगे। और यहाँ से देखिए आप, काम इधर तक भी बन गया है। यही लोहे की गर्डर लगाए जाएंगे बाद में, जो यहाँ साइड साइड में रखे हैं। तो वहाँ से जो ओवरब्रिज है, डबलिंग का काम चल रहा है इसका। चलिए आगे देखते हैं। डामरी का काम भी हो गया है, इसको चौड़ा किया गया है। थोड़ा सा और इधर का बचा है, इसको और चौड़ा किया जाएगा। तो जो अप्रोच रोड है संगम की, वो थोड़ी चौड़ी हो रही है। तो पूरा धूल धूल मुँह में जा रही है यार, टेस्ट आ रहा है धूल का। इस बार आगे चलते हैं, आगे से आपको दिखाते हैं जो रूट है। तो सड़क तो चौड़ी हो गई है इस साइड की और उस साइड की, दोनों साइड की रोड चौड़ी हो चुकी है। आगे जो रोड है उस पर शायद त्रिशूल उशूल लगा हुआ है, बैटरी टाइप से भी कुछ लगा है। तो ये वॉच टावर है, मोबाइल टावर जैसे होगा। तो एक रोड ये भी बन रही है और ये दोनों साइड चौड़ा हो चुका है। पेड़ इस साइड के बचे हुए हैं भाई। यहाँ भी रोड चौड़ी हो गई, बीच में पेड़ बचा हुआ है। तो यहाँ के पेड़ नहीं काटा गए हैं, उधर चौड़ा कर दिया गया है। तो ये अच्छा काम किया गया है, अच्छे काम को अप्रिशिएट कीजिए। यहाँ पे पेड़ बचा लिए गए हैं और यहाँ बैठक वैठक बना दी जाए तो और अच्छा हो जाएगा भाई। पेड़ों को छाँव में लोग बैठेंगे। पेड़ होते कितना अच्छा लगता है भाई। रोड चौड़ी उधर कर लो, ठीक है। यहाँ पर सही काम हुआ है, रोड को चौड़ा किया जा रहा है। यहाँ देखिए कुछ अखाड़े मंदिर थे, वो सारे तोड़े गए हैं। इधर भी चौड़ा हो रहा है। इधर तो चौड़ा भी कर दिए। इसमें जितने विभागीय होंगे, कार्यालय, वो सारे बनाए जाएंगे। पूरा एक शहर बसाया जा रहा है भाई। छोटा मोटा काम थोड़ी ना होता है यहाँ पे। हर साल एक शहर बसाया जाता है, और जब बहुत बड़ा शहर बसाया जाएगा जिसमें 40 करोड़ लोग आएंगे, जितना कभी नहीं आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मेला। अभी ये पानी में डूबा हुआ क्षेत्र था, अब यहाँ पूरा एक शहर बस जाएगा जिसका अपना एक पुलिस विभाग होगा, अपना एक डीएम होगा, अपना एक कमिश्नर होगा और कई गांव होंगे इसी में। अलग अलग क्षेत्र होंगे, जोन्स में बांटा जाएगा इसको। ये है हनुमान मंदिर, तो काम देखिए अभी चल रहा है। तो जितना पानी आया था उसकी वजह से कितना कीचड़ हो चुका है यहाँ पे। और अभी आप देख रहे होंगे मौसम थोड़ा अच्छा है। मौसम इसलिए अच्छा है कि एक तूफान आया है दाना, उड़ीसा और बंगाल के तट से टकराया था, तो यहाँ आते आते कमज़ोर हो गया। उसका प्रभाव दिख रहा होगा आपको। तो ये गेट नहीं बनाएगा शायद यहाँ पे, यहाँ गेट नहीं बन रहा है। यहाँ तो कोई बिल्डिंग बन रही है, गेट यहाँ पे बन रहा है। और अंदर परिक्रमा पथ भी शायद बन रहा है। तो ये रोड चौड़ी कर दी गई है, यहाँ तक चौड़ी कर दी गई है। किले से लगने वाली रोड थोड़ी चौड़ी हो गई है, दिख रही है। कुर्बानी देनी पड़ी है पेड़ों की यहाँ पे। और कॉरिडोर का भी काम चल रहा है, उसमें पत्थर लगने लगे हैं। अब थोड़ा बढ़िया दिखने लगा, अभी तो ईंटें दिख रहे थे। और यहाँ पे हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगाए जा रहे हैं, 3 कैमरे हैं, एक इस साइड के, उस साइड के, और एक जो पूरा लेगा 360 डिग्री व्यू। तो ये पत्थर लगने का काम हो रहा है यहाँ पे, वर्क इन प्रोग्रेस। और यहाँ रूम्स बन गए हैं। यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया गया है, अभी ये जो कॉरिडोर का काम हो रहा है वो हो रहा है। तो अक्षयवट कॉरिडोर ये बन रहा है पूरा। अंदर टाइल्स भी लग गई है, उधर साइड में अक्षयवट है एक, यहाँ पे नकली अक्षयवट है, उसी का एक पार्ट है कह सकते हैं। तो अक्षयवट मेन उधर साइड में है, तो वहाँ तक एक पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है।
आइए आपको दिखाते हैं जो किला घाट है। यहाँ जो दूर दूर से लोग आते हैं खाना वाना बनता है उनका। हाँ भैया ऊँट है यहाँ पे तो, और किले से लग के ये जो एरिया है यहाँ से नाव पे बैठ के लोग चले जाते हैं संगम में स्नान करने के लिए। यहाँ बहुत सारी नावें लगी रहती हैं। ये देखिए साइबेरियन पक्षी भी आ गए भाई, बहुत सारे साइबेरियन पक्षी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। बहुत दूर से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, रशिया का एक पार्ट है। तो साधु बाबा भी हैं यहाँ पे, और ये जल पुलिस भी है, ऊँट भैया भी हैं, रेगिस्तान से यहाँ तक चल के आए हैं, साइबेरियन पक्षी भी आए हैं। यहाँ पे रोड हुआ करती थी जो दब गई है मिट्टी में। एक बार जेसीबी खोद के देख रहा था कि कहाँ आ गई रोड, ढूँढी जा रही थी, अभी इसी के अंदर होगी, दबी होगी। तो ये घाट बन रहा है यहाँ पे, स्लोप बनाया जा रहा है, चेंजिंग रूम है। उस वाली बारादरी का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसकी छत पड़ गई है, जो द्वार बन रहा है। और यहाँ से सीधे संगम जाने के लिए एक रास्ता बन गया है, इसमें साइड साइड में लाइट लगाने का काम हो रहा है। और एक ही बारादरी है ये जो बनी नहीं है अभी, बाकी ये दो बन गई है। मज़दूर लगाए गए हैं, 60 से भी ज़्यादा मज़दूर लगाए गए हैं यहाँ पे। ये देखिए गेट बन रहा है, काफ़ी बड़ा गेट बनेगा। और ये बारादरी है, पत्थर लगाने काम भी हो गया है। ये रेलिंग टाइप से बनाई जाएगी, व्यू आएगा यहाँ से देखने में। साइड साइड की ये बाउंड्री बनाई जाएगी, इसी में रेलिंग लगाई जाएगी। कुछ पत्थर खराब हो गए, टूट गए हैं बाढ़ में। नीचे से देखिए आप, ये टावर के बारे में पता करते हैं, ये कौन सा टावर है भैया। भैया ये टावर मोबाइल टावर है क्या? अच्छा अच्छा इंडस का, कौन सी एयरटेल रहेगा? सारे एयरटेल के लिए बनी, एयरटेल। अच्छा, एक वहाँ पे था वो, वही है क्या ये? ये मोबाइल होता रहता है, घूमता रहता है। कैसे चलता है ये? अरे ये ट्रक लोड रहता है। अच्छा अच्छा, तो कितना कितना लगेगा क्या? पूरे मेला क्षेत्र में कितना लगेगा ऐसे एयरटेल वाला? ये 65 लगेगा, 65 ना, 65। ठीक ठीक, तो ये इंडस का टावर लग रहा है जो एयरटेल का कनेक्शन देगा। जैसे जैसे कुंभ पास आएगा इसमें तेजी आने लगेगी। और ये जो ब्रिज का काम है, देखिए इसमें पैनल जोड़ दिए गए हैं, ये गर्डर है सारे, यहाँ से पूरा जोड़ने का काम हो रहा है। यहाँ एक बड़ा सा पेड़ था वो हटा दिया गया है, और इसको अब सीधे दारागंज वाले स्टेशन से जोड़ा जाएगा, जो आगे जाके रामबाग स्टेशन तक जाएगा। तो यहाँ पे इसको गर्डर लगा के जोड़ने का काम भी हो रहा है। पहले तो नट बोल्ट लगाया जाएगा, फिर बिल्डिंग का भी काम होगा। इसमें आगे एक पेड़ था बड़ा सा, वो कट गया है, तो इसका भी काम हो रहा है। ये तो यहाँ तक तो बन ही गया था पहले ही। यहाँ पे एक नाला है, मोरी गेट नाला, वो दिन में भी चालू रहता है, रात में भी चालू रहता है। और इसको बंद करने का कहा गया था, ये वाला अब बंद कर दिया गया है। तो बहुत बदबू आती थी, सीधे नाला जाता था अंदर गंगा जी में। और वहीं दारागंज घाट है, यहाँ देखिए अभी जा रहा है।
कि पानी अभी भी जा रहा है, दिन में ही जा रहा है। आगे ही शमशान घाट है दारागंज का, जो स्नान करने आते होंगे उनके लिए प्रदूषित पानी रहता है यहाँ पे। नाला भी उधर भी बनाया जा रहा है, पक्का करके बनाया जाएगा। चलिए रिवर फ्रंट पे चलते हैं, इधर से तो बहुत गए, अब इधर से चलते हैं ब्रिज के नीचे से। तो वो वाला है नया वाला ब्रिज रेलवे का, और ये वाला पुराना वाला, और ये है रिवर फ्रंट। इसका बांध जो बनाया गया देखिए आप, इधर साइड में स्लोप टाइप से बनाया गया है, सीढ़ी नुमा है ये। यहाँ पे पीपा पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, तो माफ़ी चाहूँगा भाई, पहली बार मैंने बताया था 25 बन रहे हैं, लेकिन टोटल 30 पीपा पुल बन रहे हैं। 19 में 22 बने थे, इस बार 30 पीपा पुल बन रहे हैं। 2000 जो पीपा हैं वो मंगाए गए हैं और यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। आगे दशाश्वमेध घाट भी है, तो यहाँ पे जोड़ने का कार्य हो रहा है। दशाश्वमेध घाट पे एक पीपा पुल बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। तिराहा है, गंगा जी की मूर्ति है यहाँ पे। इधर से आगे जाएंगे तो आलोपी देवी मंदिर है, और ये दशाश्वमेध घाट बन रहा है। ये पीपा पुल का भी निर्माण कार्य चल रहा है। आइए आपको ये दिखाते हैं, जो घाट बन रहा है उसको दिखाते हैं आपको। बहुत सारे सरिया हैं यहाँ पे, काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। बारादरी बनाने का काम हो रहा है यहाँ पे, और ये द्वार बनाने का काम हो रहा है। एक द्वार ये, यह है श्री बड़े गणेश जी का मंदिर, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। देखिए द्वार वैसे ही बन रहा है जैसे वहाँ पे है, वीआईपी घाट जैसे बन रहा है ना वैसे ही बन रहा है। यहाँ जाल बांधने का काम हो रहा है, तो बहुत सारे सरिया इसमें घाट पे हैं, तो यहाँ स्नान करने लायक है नहीं। एक बारादरी वहाँ पे बन रही है। यहाँ भी पत्थर लगने का काम हो रहा है। ये बारादरी बन गई है यहाँ की, तो ये 110 मीटर का बनाया जा रहा है जो घाट है, सबसे चौड़ा घाट होगा यहाँ का प्रयागराज का। और ये ऊंचा बनाया जा रहा है, इसे आर्यर घाट है ऊपर से देखने के लिए है, तो पार्किंग भी हो जाएगी और दर्शन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और सीढ़ियाँ हैं यहाँ से नीचे जाने के लिए, यहाँ पीपा पुल भी बन रहा है। एक बारादरी वहाँ पे बन रही है और एक इधर बन रही है, और दो द्वार बन रहे हैं, एक और ये, दो द्वार हैं। और वहाँ से घाट बनते जाएगा, आगे तक घाट बन रहा है। दशाश्वमेध घाट के बगल में ही पीपा पुल का निर्माण चल रहा है, और महाकुंभ से पहले सभी 30 पीपा पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा। आज दिनांक 3 नवंबर से जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा के नगर में प्रवेश के साथ ही साधु संतों के नगर में प्रवेश की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे सभी अखाड़े दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में नगर में प्रवेश कर जाएंगे, इसीलिए महाकुंभ के सभी कार्यों को दिसंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। तेलियरगंज में 6 लेन ब्रिज से संगम तक बनने वाले गंगा रिवर फ्रंट के कार्य को भी 30 नवंबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। गंगा रिवर फ्रंट के कुछ हिस्सों में इंटरलॉकिंग की सड़क बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। तो प्रयागराज वासियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।